मुल्तान के सुल्तान, कमेंट्री के रजनीकांत और ट्विटर के बादशाह कहे जाने वाले क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का आज 38वां जन्मदिन है। सहवाग के जन्मदिन के मौके पर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर कमेंटेटर हर्ष भोगले, बॉक्सर विजेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। सहवाग ने अपने अंदाज में जवाब देकर सबका शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि वीरू का जन्म आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर 1978 को दिल्ली में हुआ था। सहवाग को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। इन्होंने महज 7 साल की उम्र में बल्ला थाम लिया था। सहवाग ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 1997 में दिल्ली क्रिकेट टीम से की थी। वो नॉर्थन जोन क्रिकेट टीम में दलीप ट्रॉफी के लिए चुने गए। इस मैच में उन्होंने टॉप स्कोरर में अपनी जगह बनाई। मात्र 70 गेंदों पर सहवाग ने 100 रन जड़े। सहवाग ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। There we go. That's the shot we've been talking about with this 7-2 field. That'll go away for four. Just too short. High quality player. High quality shot. That's why we disagree with this field. इस मैच में सहवाग 1 रन बनाकर आउट हो गए थे और गेंदबाजी के दौरान 3 ओवरों में 35 रन दे डाले। इसके बाद सहवाग को काफी समय तक टीम में शामिल नहीं किया गया। जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू सीरीज में 2000 में सहवाग को फिर से टीम में शामिल किया गया। 2001 में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज में सहवाग ने पारी की शुरुआत करते हुए करियर का पहला अर्धशतक जमाया। Daniel Vittori starts over, and that's a 50 for Virendra Sehwag. इसी सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 गेंदों पर शतक ठोक कर सहवाग ने अपने हुनर का नमूना पेश किया। 2004 में सहवाग ने टेस्ट मैच में 13 शतक बनाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भारतीय बल्लेबाज के तौर पर अपना नाम दाखिल किया। 2008 में चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 313 रन की पारी खेली, जो आज भी भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर है। डॉन ब्रेडमैन और ब्रायन लारा के बाद सहवाग दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 2 बार 13 शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। Well, he's got the fence now. He's got strong forearms, Virendra Sehwag. Plays with a heavy bat. सहवाग को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, ICC 2010 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर खिताब से नवाजा जा चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम सलामी बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग ने 20 अक्टूबर 2015 में अपने जन्मदिन के मौके पर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL से संन्यास लिया था। भले ही वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL मैचों से संन्यास ले लिया हो, लेकिन आज भी क्रिकेट जगत में वो सक्रिय हैं। क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में सहवाग आज भी दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।